हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको चार बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर मेन जो तीन कैटेगरी है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों का अंदर जो सबसे बेस्ट फंड है वो मैं आज आपको बताऊँगा। और टैक्स सेविंग का जो कैटेगरी है ELSS, उसका भी एक बेस्ट फंड बताऊँगा। तो लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर जो बेस्ट फंड है कनारा रोबाको ब्लू चिप इक्विटी फंड। रिटर्न की बात करें तो एक साल में 5.92, तीन साल में 17.40, पाँच साल में 13.63 और सात साल में 12.95। पीआर कंपैरिजन की बात करें तो इसके कंपैरिजन में जो फंड्स है, एक्सिस ब्लू चिप फंड, मेरा एसेट लार्ज कैप फंड, ICICI प्रोडेंशियल ब्लू चिप फंड, UTI मास्टर शेयर फंड, तो ये चारों में फंड में से ये फंड बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका रिटर्न भी सबसे ज़्यादा है और इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम है और इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बहुत ही कम है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, फिर टेक्नोलॉजी, फिर एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल करके ऐसे सेक्टर्स में इसका पैसा लगा हुआ है। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS, बजाज फाइनेंस, SBI, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी और ऐसे करके करके सारे इतना सारा स्टॉक्स में ये इन्वेस्टेड है। फंड मैनेजर की बात करें तो श्रीदत्त वानवाल्डर, जो कि 2016 से इस फंड को संभाल रहे हैं, इसका एडुकेशन है BE मैकेनिकल और MMS फाइनेंस। और ये कनारा रोबाको म्यूचुअल फंड में काम करने से पहले SBI पेंशन फंड के हेड रिसर्चर थे और भी उसके पहले बहुत ही ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस है। अभी बेस्ट मिड कैप फंड की बात करें तो PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। रिटर्न की बात करें तो एक साल में 15.32, तीन साल में 33.18, पाँच साल में 17.42 और सात साल में 15.48, तो ये सारे रिटर्न इसने दिया है। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसके अंडर जो कंपैरिजन आता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड। ये जो नीचे जो फंड है, ये फंड भी अच्छा है, पहले अच्छा करते थे लेकिन अभी ये फंड आ गया है, इन सबको बीट कर दिया है। इसका रिटर्न देखिए सबसे ज़्यादा है और एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम है और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बहुत ही कम है। ऐसे एसेट अंडर मैनेजमेंट जो AUM होता है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है फंड में रिटर्न के लिए। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल और कैपिटल गुड्स के अंदर सेम कैटेगरी है, मटेरियल्स, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, केमिकल, हेल्थ केयर, ऐसे सारे सेक्टर्स में इसका पैसा लगा हुआ है। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो प्रेसिस सिस्टम, HDFC बैंक, TVS मोटर कंपनी, द फेडरल बैंक, इतने सारे स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो के अंदर है। फंड मैनेजर की बात करें तो अनिरुद्ध नाहा, मिस्टर अनिरुद्ध नाहा डन मास्टर्स इन फाइनेंस एंड कंट्रोल, और एक्सपीरियंस तो आप देख ही सकते हो कि कितना बड़ा एक्सपीरियंस है इसका। अभी बेस्ट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड। रिटर्न की बात करें तो एक साल में 14.98, तीन साल में 39.23, पाँच साल में 19.83 और सात साल में 16.31, तो इसने ये रिटर्न दिया है। पीआर कंपैरिजन की बात करें तो इसके अंडर में जो कंपैरिजन में जो फंड्स आता है तो उसके अंडर में ये इसका रिटर्न भी इसका ज़्यादा है और इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन ये चलता है और AUM कम है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो कंज्यूमर स्टेपल, सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, मेटल एंड माइनिंग, कैपिटल गुड्स, फाइनेंस, केमिकल्स, टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन, एनर्जी, ये सारे सेक्टर्स में इसका पैसा लगा हुआ है। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो ITC, IRB, इंफ्रास्ट्रक्चर, अरविंद, लिंडे इंडिया, तो ये सारे स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो के अंदर है। फंड मैनेजर की बात करें तो अंकित ए पांडे ने CFA एंड MBA किया है और ये क्वांट म्यूचुअल फंड में ज्वाइन करने से पहले इन्फोसिस फिनाकल में काम करते थे और इसने 2011 में इक्विटी रिसर्च स्टार्ट किया था। उसके साथ ही ये क्वांट एब्सोल्यूट फंड, क्वांट एक्टिव फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, ये सारे फंड्स को भी मैनेज करते हैं। अभी बेस्ट ELSS फंड की बात करें तो कनारा रोबाको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। इसका रिटर्न की बात करें तो एक साल में 9.28, तीन साल में 18.95, पाँच साल में 14.49 और सात साल में 13.23% का रिटर्न दिया है इसने। कंपैरिजन की बात करें तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, मेरा ऐसे टैक्स सेवर फंड है, DSP टैक्स सेवर फंड है और IDFC टैक्स एडवांटेज फंड है,
तो ये कंपैरिजन में ये इसको बेस्ट चुना है इसीलिए क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कम है और इसने रिटर्न भी सबसे ज़्यादा ही दिया है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, फिर टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर टेम्पल, ऑटोमोबाइल, मटेरियल्स, कंज्यूमर डिस्किनरी, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, सर्विस, ऐसे सारे सेक्टर्स में इसका पैसा लगा हुआ है। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, इन्फोसिस, HDFC, TCS, बजाज फाइनेंस, SBI, एक्सिस बैंक, अल्ट्रा टेक, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ये सारे बड़े बड़े कंपनी के स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो के अंदर है। फंड मैनेजर की बात करें तो वही सिद्धार्थ फंडर वाला है जो कि कनाडा रोबाको ब्लू चिप इक्विटी फंड मैनेज करता था और साथ ही ये कनाडा रोबाको इक्विटी हाइब्रिड फंड, फ्लेक्सी के फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड कंज्यूमर ट्रेंड फंड, ये सारे फंड्स भी ये मैनेज करता है। तो आज मैंने आपको चार बेस्ट फंड के बारे में बताया जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपना लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर सकते हो। और ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स के बारे में और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।